तीन प्रशिक्षु डीएसपी को एसएसपी नीतासा गुड़िया ने जिले के तीन बड़े थानों के साथ थाना अध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी है। दिवेश कुमार को मुजाहिदपुर थाने का थानाध्यक्ष बनाया, जबकि विपिन बिहारी को इसाक्षक और गौरव कुमार को सुल्तानगंज थानाध्यक्ष बनाया है। एसएसपी ने इस बाबत शुक्रवार की देर शाम आदेश जारी कर दिया है। तीनों प्रशिक्षु डीएसपी इन तीनों महत्वपूर्ण थाने के थानाध्यक्ष के रूप में कार्य करेंगे। शनिवार से 5 मई 2021 तक उन्हें थानाध्यक्ष बनाया गया है। इस दौरान वर्तमान थानाध्यक्ष उन्हें अपने अपने थानों में उन्हें थानाध्यक्ष के कार्य संपादन के गुर बताएंगे। पुलिस परिवार की समस्याओं से हुई अवगत, कई फाइलों का किया निपटारा। एसएसपी ने शुक्रवार को लाइन डे मौके पर तय समय में पुलिस केंद्र में बैठी और दोपहर लंच के बाद शाम तक पुलिस परिवार की समस्याओं और अवकाश वेतनधारी मसले समेत कई फाइलों का निपटारा किया। विधि व्यवस्था को और दुरुस्त बनाने पर बल, एसपी ने विधि व्यवस्था को और दुरुस्त बनाने पर बल दिया है। इसके लिए शहर में नियमित रूप से रात्रि गश्त करने का निर्देश दिया गया है। साथ ही सीमावर्ती इलाकों में वाहनों की चेकिंग भी नियमित रूप से करने को कहा है। शहर में जाम की समस्या न हो इसके लिए भी रणनीति तैयार की गई है। हर चौक चौराहे पर पुलिस जवान की तैनाती की गई है। हाल के दिनों में अपराध के आंकड़े में आई है कमी। हाल के दिनों में बात करें तो भागलपुर शहर में आपराधिक घटनाओं में थोड़ी कमी आई है, साथ ही ग्रामीण इलाकों में भी यही हाल है। दरअसल पुलिस की लगातार कार्रवाई के कारण अपराधियों में दहशत का माहौल है। एसएसपी के निर्देश पर हर दिन फरार अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए अभियान चलाया जा रहा है। ग्रामीण इलाके में भी संबंधित थानाध्यक्ष को इस तरह के अभियान चलाए जाने के लिए